बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई अपडेट में खुश आमदीद ख़वातीन हज़रात। और यहाँ पर आपको बताते चलें कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, ख़ास तौर पर शहर कायद कराची में, आवाम का समुंदर सड़कों पर निकल आया। आपको बताएं कि यहाँ पर मुजाहिरीन कहते हैं कि वह हर तौर पर इमरान खान का साथ देंगे और पाकिस्तान में मौजूद इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को नामंजूरी के हवाले से भी उन्होंने साबित कर दिखाया। आपको बताएं कि आवाम का एक सैलाब जो है वो मुख्तलिफ शहरों में देखा गया, जहां पर हज़ारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में लोग मौजूद थे। और लोगों का यही कहना है कि पाकिस्तान में जो हुकूमत बन रही है वो किसी तौर पर मंजूर नहीं करेंगे, हर तौर पर इमरान खान का साथ देंगे और इलेक्शन करवाएंगे, जिसके बाद से दोबारा से नया फैसला लेना चाहते हैं और हम हर तौर पर सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को ही पाकिस्तान का वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं। आपको बताते चलें कि इस तरह के तमाम तर मुजाहरों के अंदर इससे कबल छोटे बच्चे या बूढ़े अफराद को नहीं देखा गया, जहाँ पर इस बार दोबारा से जो छोटे बच्चों की तादाद भी है, जिसमें नौजवान हों या फिर बूढ़े हों, सभी की तादाद नुमाया तौर पर नज़र आ रही है। आपको बताएं कि फ़िलहाल के लिए बताया गया है कि आइंदा आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान में दोबारा से यहां पर जो है सड़कों पर आवाम का एक सैलाब देखा जाएगा, जिसके बाद दूसरी जानिब जो कई लोग ऐसे हैं जिनको सड़कों पर यहाँ पर मुश्किल का सामना भी करना पड़ा, और ऐसे तमाम तर अफराद के ख़िलाफ़ ये कहते नज़र आते हैं कि हस्पताल जाने वाले अफराद को भी रास्ता देना चाहिए, जिसके अंदर ख़ास तौर पर मरीज़ होते हैं उनका भी ख्याल रखना चाहिए। मज़ीद क्या अपडेट्स होंगी हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिए।